पुलिस और किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा, किसान दिल्ली में ही रैली निकालने पर अड़े। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर पाया गया काबू। देश में कोरोना वायरस के 15,223 नए मामले आए सामने, 151 लोगों की अब तक हुई मौत। रेलवे के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, कालका मेल को मिला नया नाम, नेताजी एक्सप्रेस। गौतम गंभीर ने राम मंदिर के लिए दिया दान, राम मंदिर निर्माण के लिए दी 1 करोड़ की सहयोग राशि। पाकिस्तान की ड्रोन चाल नाकाम, चाल को नाकाम करने के लिए बीएसएफ ने तैयार की मोबाइल ड्रोन हंटिंग टीम। संसद ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी पर वार, कहा चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा, नाम लेने से भी डर रहे मोदी। भारत ने निभाया पड़ोसी धर्म, बांग्लादेश के लिए रवाना होगी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। इराक में 2 आत्मघाती हमलों में दहला बगदाद, कम से कम 13 लोगों की मौत, कई घायल। ऑस्ट्रेलिया से आज जीत के बाद लौटी है टीम इंडिया, रहाणे का मुंबई में गाजे बाजे के साथ किया गया स्वागत।